अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ फारूक खान, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल एलील्स। ये चैप्टर 23 इनहेरिटेंस में इंक्लूड है और ये बहुत ईजी टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया था। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इंट्रोडक्शन भी हम कर चुके हैं और हमने इसका डिफरेंस भी कर लिया था। एक लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बेसिक क्या है लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। आज हम मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है। आपको पहले बता होना चाहिए कि जीन क्या होती हैं। अगर हम जीन के ऑल्टरनेट की बात करें ना, तो वो होती हैं एलील्स। आपके पेरेंट्स की तरफ से आई कलर ले लेते हैं, ट्रेट आई ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि एक पेरेंट की तरफ से मैटरनल साइड से आएगी, एक पैटर्नल साइड से आएगी, एक मदर की तरफ से आएगी, एक फादर की तरफ से आएगी। तो ये जो एक करेक्टर की जो दो जीन होती है ना, उसको हम कहते हैं एलील्स। यहाँ पे बात है मल्टीपल एलील्स, मतलब वो ट्रेड, वो करेक्टर जो कंट्रोल होता है मोर देन 3 एलील्स से, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। वेल नोन इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें एग्जांपल्स में कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, जो बहुत इजी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है कि ये जो मल्टीपल एलील्स है ना, इसकी एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। 4 तरीके के हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये किस वजह से होते हैं? ये होते हैं, बेस करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन होगी ए, और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन होगी बी, और ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम का ये मतलब है कि ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगी। तो एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टैनर, उन्होंने 1901 में ही डिस्कवर किया था कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोटाइप प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सर्फेस ऑफ RBCs। आपको पता होगा कि हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड है कलरलेस टिश्यू, उसमें 55% होता है प्लाज्मा। आपने चैप्टर 11 में आई थिंक पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में। तो ये जो प्लाज्मा है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये एंटीबॉडीज, जबकि जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होती हैं RBCs में, रेड ब्लड सेल्स में। ये एंटीजन की बेस पे ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लासिफाई होता है। ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए होगी, ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी होगी, और ब्लड ग्रुप ए बी, इसका ही मतलब है कि जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है उनके पास ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगी, और ओ ब्लड ग्रुप का ही मतलब होता है कि उनके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी। ये तो जेनेटिक बेसिस है ए बी ओ सिस्टम की, वो एक्सप्लेन करी थी बर्नस्टैन ने 1924 में। इन्होंने कहा था कि 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ट्रेट ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम। ये होते हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये 6 पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं इसके, जीनोटाइप ये 6 होते हैं, लाइक होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस बी, हेट्रोजाइगस बी एंड यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप है, ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता, लाइक हेट्रोजाइगस हो सकता है, होमो नहीं हो सकता, होमो सेम होने चाहिए। और ब्लड ग्रुप ओ तो आपको पता ही है कि स्मॉल आई है, तो इसका एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं होती, तो ये भी होमोजाइगस है। वो ट्रेड जिसके पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं वो होते हैं मल्टीपल एलील्स। लाइक मेंडल ने तो यही कहा था कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन की, एक पेरेंट्स की तरफ से, लाइक एक मैटरनल साइड से आती है और एक पैटर्नल साइड से आती है। द जीन विच हैव मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन प्रोड्यूस होती हैं बाय जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से DNA में चेंज आ जाता है। ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन है ना, ये ऑक्यूपाई करती हैं सेम लोकस। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जो जहाँ पे ये जीन प्रेजेंट होती है ना, वो पोजीशन होती है लोकस, और इस पोजीशन पे हमेशा जीन प्रेजेंट होती है। आप ये कह सकते हैं कि जीन की जो पोजीशन है, प्रेजेंस है, वो लोकस पे होती है। तो मल्टीपल एलील्स का ये मतलब है कि हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में जितनी एलील्स होंगी वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट होंगी, एक ही क्रोमोसोम के एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होंगी। लेकिन ये नहीं है कि बहुत सारी 3 हम बात कर रहे हैं कि 3 और मोर देन एलेलिक फॉर्म्स हैं उसको मल्टीपल एलील्स कह रहे हैं, लेकिन एक पर्सन में 2 एलील्स ही होती हैं, एक पेरेंट्स की तरफ से, एक पेरेंट की तरफ से आती है, दूसरी भी पेरेंट की तरफ से आती है, लाइक एक मैटरनल साइड से, एक पैटर्नल साइड से।
यहाँ पे यही कहा हुआ है कि सम ट्रेड्स हैव मोर देन 100 एलील्स, बट ईच इंडिविजुअल हैज टू ऑफ देम इन डिप्लॉइड सेल और ओनली वन इन हैप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड 2N होते हैं और हैप्लॉइड N होते हैं. लाइक आप ये कह सकते हैं कि जो सेक्स सेल्स होते हैं ना वो डिप्लॉइड होते हैं मोस्टली. मतलब क्रोमोसोम्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, मैटरनल साइड से भी और पैटर्नल साइड से भी, और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. जैसे आप 46 देख सकते हैं तो ह्यूमन में फादर और मदर में 46 क्रोमोसोम्स हैं, बट जो आते हैं क्रोमोसोम्स ऑफ स्प्रिंग में वो 23 आते हैं मैटरनल साइड से और 23 आते हैं पैटर्नल साइड से. तो ये डिप्लॉयड हो जाते हैं कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह. बहुत अच्छा दिया हुआ है और इसमें ये बताया हुआ है कि ब्लड ग्रुप ए है तो ये जीनोटाइप हो सकता है. जीनोटाइप हम लोगों ने जब बेसिक करा था तो उसमें मैंने आप सबको ही बताया था कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है. फिनोटाइप होता है फिजिकल अपेयरेंस. ब्लड ग्रुप ए है ये हमें पता है. अब वो होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस है वो जीनोटाइप बताता है. एंटीजन है और एंटीबॉडीज अपोजिट होंगी. जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ब्लड टाइप है ए, ब्लड ग्रुप है, एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडीज उसकी अपोजिट होंगी. एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होंगी. कोडोमिनेंस होती है. कोडोमिनेंस क्या होता है? वो फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें जो एलील्स हैं वो दोनों कंट्रास्ट कर रही हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, कोई रिसेसिव नहीं है और ना ये है कि एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है. दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को शो कर रही हैं. कंट्रास्टिंग करेक्टर इसी को कहता है. तो ये फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें बोथ कंट्रास्टिंग एलील्स ऑफ सेम जीन लोकस एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली विदाउट इफेक्टिंग ईच अदर. ना कोई डोमिनेंट होता है ना कोई रिसेसिव होता है, उसको हम कहते हैं को डोमिनेंस. फिनोटाइप ऑफ बोथ द एलील्स बिकम अपेरेंट. फिजिकल अपेरेंस दोनों की प्रेजेंट होती है. जैसे ह्यूमन का ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें ब्लड ग्रुप ए भी है ब्लड ग्रुप बी भी है, तो को डोमिनेंस हो गई. लाइक दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं. जहाँ पे आई ए कैपिटल आई ए होता है, कैपिटल बी होता है, ये दोनों कोडोमिनेंट एलील्स हैं. प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ सेम रेड ब्लड सेल्स. देयरफॉर पर्सन के पास ए बी जीनोटाइप होता है, ब्लड ग्रुप होता है ए बी दोनों, क्योंकि दोनों एंटीजेंस हैं. ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया हुआ है. इसमें बताया हुआ है कि वेरिएबिलिटी होती है, हमेशा वेरिएबल होते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमंस में. डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्वेस्टिगेट हुए हैं टू एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ सेल्स केमिकल्स और इट्स इंट्रैक्शन विद अदर ब्लड ग्रुप्स. ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना वो 30 है, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. ये सिस्टम मेनली बेस करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, स्पेशल मॉलिक्यूल्स. ये स्पेशल मॉलिक्यूल्स फाउंड होते हैं RBCs में, रेड ब्लड सेल्स में. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स में, और बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. आपने देखा होगा, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर में, शायद फर्स्ट चैप्टर ही था, कि जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और वो फॉर्म कर देते हैं. लाइक ग्लाइकोप्रोटीन आपने पढ़ा होगा और ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ा होगा. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए एक मॉलिक्यूल में, वो होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. तो ये एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब एग्जांपल्स होती हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की. मेन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमें पता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है. एग्जैक्टली लाइक होता है ये ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के, और आर एच सिस्टम भी है. आर एच सिस्टम का ये मतलब है कि ये जो आर एच एंटीजन होती है ना ये बहुत ज़्यादा लाइक बेस करती है ये भी. इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है एरियोब्लास्टोसिस फिटेलिस. ये बेस करती है आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव पे. ये आपने अगर कुछ नासेस कर लिए होंगे, मैंने करवाया था तो उसमें भी ये डिजीज़ थी, हमने पढ़ी थी. इंशाल्लाह इसका जो डिटेल ओवरव्यू वो हम जल्द ही करेंगे. बस आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप हमेशा सेम चढ़ना चाहिए. अगर एक पर्सन है और उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड दे दिया गया बी, तो जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो हमला करेंगी और उसकी वजह से रेसिपिएंट की डेथ हो सकती है. तो दैट्स व्हाई ब्लड टेस्ट किए जाते हैं. एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिडर करते हैं एज अ रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसमें मोस्टली ज़्यादातर हम बात करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की और आर एच सिस्टम की, जो आर एच पॉजिटिव होता है और आर एच नेगेटिव होता है. ये हम इंशाल्लाह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा. आपने ये चार्ट याद रखना है और ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ वगैरह में.
बाकी तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो उसका एंटीबॉडीज अपोजिट होंगी हमेशा एंटीजन जो ब्लड ग्रुप है उसकी बेसिस पे, एंटीजन की बेसिस पे ब्लड ग्रुप होता है। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एलील्स ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसमें हम लोग ओ नेगेटिव एज ए यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्योंकि उनके पास कोई एंटीजन नहीं होती, उनके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, एंटीजन तो ए और बी भी होती है और एंटीबॉडीज उनके पास होती नहीं है क्योंकि दोनों ब्लड ग्रुप है, सो दैट्स वाई वो एक्सेप्टर होते हैं, वो हर एक से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।